हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि यूजीसी नेट का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है। तो इसके लिए हमें पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, गूगल क्रोम। वहाँ आपको डालना पड़ेगा यूजीसी नेट 2016। उसके बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है उस पर क्लिक करना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई 2016। उस पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर नेट जनवरी 2017। उसके बाद आपको ये सब इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़नी है जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे सब प्रोसेस दिया गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या फीस होंगी, क्या है क्या नहीं, सब यहाँ पे दिया गया है। आपके फोटो सिग्नेचर का साइज क्या चाहिए सब यहाँ पे दिया गया है। आपका पेमेंट मेथड, पेमेंट का भी इधर इंफॉर्मेशन दिया गया है। आपको ये सब ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स पे चेक करना है, क्लिक करना है, और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद आपको शुरुआत में आपको अप्लाइड फॉर यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF असिस्टेंट प्रोफेसर। ये दो ऑप्शन किस लिए दिए गए हैं? अगर आप आगे जाके सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन क्यों दिए गए मैं आपको बताता हूँ। ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर आप नेट एग्जाम पास करके, फ्यूचर में नेट एग्जाम पास करके आप प्रोफेसर की पोस्ट पे सिलेक्ट हो गए, प्रोफेसर बन गए, उसके बाद अगर आपको प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर अप्लाई करना है तो आपको PhD इम्पोर्टेंट रहता है, PhD मस्ट है। और आपके पास अगर PhD की डिग्री नहीं है तब ये डिग्री काम आती है, JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट करके, ये ऑप्शन सिलेक्ट करके एग्ज़ाम दी है और फिर आप पास हुए हैं तो आपको कंसिडर किया जा सकता है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। तो ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, मोस्ट ऑफ लोग जो होते हैं वो यही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको सिर्फ प्रोफेसर ही बनना है आगे जाके तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो भी है, जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आप इधर सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे आपको चाहिए यह वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपके नियरेस्ट 4 सिटीज़ आपको यहाँ पे देनी है, जो आपके आजू बाजू नज़दीक है वो सिटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है, आपका नाम, जन्म तारीख, आपकी जेंडर, आपका कैटेगरी क्या है, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम। ये ऑप्शन मैरिड फीमेल्स के लिए है, मैरिड फीमेल्स मतलब अगर आपके पिता है तो आप नो कर सकती है, अगर आपके पति है
तो डिफरेंशियली एबंडियस करके आप ऊपर अपने पति का नाम डाल सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। अगर एसटीडी फोन रहेगा, टेलीफोन रहेगा तो वो भी डाल दीजिए। आपका ईमेल एड्रेस, आपका आधार कार्ड नंबर सब यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको ओके उसके बाद आपको आपका एड्रेस यहाँ पे डालना है। आपका टाउन, सिटी, विलेज जो भी होगा आपको यहाँ पे डालना है। लोकेलिटी है जो कि कोई रोड रहेगा, कोई मार्ग रहेगा, जो भी है आपको वहाँ पे डालना है। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट यहाँ पे आपको डालना है। आपका पिन कोड आपको यहाँ पे आपको डालना है। फिर यही सेम एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। अगर परमानेंट एड्रेस अगर वही रहेगा जो ऊपर डाला है, वही आप फिर वही नीचे डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपना अपना एजुकेशनल डिटेल्स भरना है। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल डालिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप पास हो गए तो पास डाल सर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी चल रहा है, अभी अपेयरिंग है, फिलहाल चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप अपेयरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप किस में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेट एग्ज़ाम जो होता है आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही दे सकते हैं, उसके लिए ग्रेजुएशन काफ़ी नहीं होता। तो आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप इधर फिर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम कहाँ से किया है, इंडिया से किया है क्या आउट ऑफ इंडिया से किया है। तो यहाँ पे आपको अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ओके यहाँ पे यूनिवर्सिटी का स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ से किया है, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, जो भी होगा अब जो आपका स्टेट है। फिर आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। फिर आपको स्पेशलाइज इन, अगर आपका कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा वो आप डाल दीजिए। फिर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर किसी ने एम फिल किया है, एम फिल पास किया है, तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं यस नो करके। अगर पीएचडी है तो भी आपको यहाँ पे डाल सकते हैं, पीएचडी हाँ तो यस, नहीं तो नो। पासवर्ड के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं। पासवर्ड बनाने के लिए आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, और पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस लेटर, वन से ज़्यादा भी चलेगा, वन वन और मोर देन वन, एटलीस्ट वन लोअर केस लेटर, एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू, और एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। ये सब यूज करके आपको अपना पासवर्ड बनाना है। फिर वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, जो भी आपको अच्छा लगे, विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट प्लांट यू लाइक और डिसलाइक, व्हाट इज योर नेबर पेट नेम, जो भी आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कीजिए, उसका आंसर यहाँ पे डालिए। उसके बाद सिक्योरिटी पिन, एंटर सिक्योरिटी पिन, जो नीचे जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है वही ऊपर डालना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिए। चलो हम अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। रिव्यू, ये आपका रिव्यू पेज है, यहाँ पे आपने जितने भी इंफॉर्मेशन डाली है वो इधर चेक कर सकते हैं। अप्लाइड फॉर JRF असिस्टेंट, सब्जेक्ट, आपकी एग्जाम सिटीज, पॉसिबल एग्जाम सिटीज, आपकी डिटेल्स, ओके आपका एड्रेस, अपनी एजुकेशन डिटेल्स, सब इधर चेक करके आप सबमिट पर क्लिक कीजिए।
यहाँ पे आपको अपना वेरिफिकेशन कोड डालना होगा जो अभी अभी आपके मोबाइल पे आया रहेगा। तो मोबाइल चेक कीजिए, SMS में आपको वेरिफिकेशन कोड आया रहेगा, वो इधर डाल दीजिए। और फाइनल सबमिट। इसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके इधर अपलोड करना पड़ेगा। ये आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, ये नोट कर लीजिए। आपका फोटो और सिग्नेचर JPG और JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। उसकी साइज 4 KB से ऊपर और 40 KB से नीचे होनी चाहिए। सिग्नेचर का 1 KB से ऊपर और 30 KB से नीचे, ये उसने डायमेंशन दिया है, ये फोटो के लिए, ये सिग्नेचर के लिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हाउ टू एडिट एंड सिग्नेचर फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो मैंने उधर इन डिटेल सब बताया है, तो प्लीज़ आप उधर जाके चेक कीजिए कि फोटो और सिग्नेचर कैसे एडिट करके अपलोड किया जाता है, आप उधर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आपको अपना वीडियो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मेरा फोटो पहले अपलोड करता हूँ। तो ये मेरा फोटो है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, आप समझ सकते हैं। तो मैं मेरा फोटो डाल रहा हूँ। ओके, आपकी फोटो की साइज 4 KB से ऊपर और 40 KB से नीचे होनी चाहिए, इन इनकी इसके बीच में होनी चाहिए। आप इधर चेक कर सकते हैं, फैक्ट्री करके प्रॉपर्टी में जाके इधर चेक कर सकते हैं। मेरा 10 KB के ऊपर और 40 के नीचे बराबर, और सिग्नेचर का 1 KB के ऊपर और 30 KB के नीचे। तो आप इधर भी, ये मेरा सिग्नेचर है, इधर जाके चेक कर सकते हैं। ये देखो 1 KB के ऊपर 30 KB के नीचे। तो मैंने मेरा फोटो अपलोड कर दिया, सिग्नेचर अपलोड कर दिया। ओके, अपलोड हो गया। इधर आपको अपना फोटो दिख रहा है, इधर सिग्नेचर दिख रही है। आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए, क्लिक हियर और फाइनल अपलोड। फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि फोटो और सिग्नेचर कैसे एडिट करें, तो मेरी और एक वीडियो है, वो वीडियो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि अगर फोटो की साइज ये दी गई है तो उसे वो साइज में कैसे एडिट करें, और सिग्नेचर की साइज XYZ अगर दी गई है तो उसे उस साइज में कैसे एडिट करें। अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, दूसरी ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके और वीडियो देखिए। उधर आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन है, डिटेल मैंने ट्यूटोरियल बनाया है कि कैसे आप फोटो सिग्नेचर रिक्वायर्ड साइज में एडिट कर सकते हो। अगली स्टेप है फी पेमेंट, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे दिया है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो स्टेप 3 है कि आपको फी पेमेंट करना है। मेरे को अभी इधर ये 300 रुपये दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद ये विंडो ओपन होगा। इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पे इस रेडियो बटन पे क्लिक करके आपको सबमिट देना होगा, या फिर अगर ई चालान से पेमेंट करना है तो ई चालान सेलेक्ट करके आपको सबमिट करना होगा। तो ये सब, ये चीज़ तो सबको पता ही होगा, आप लोग सब ऑनलाइन खरीदी करते हैं तो आपको ये चीज़ पता ही होगी कि कैसे पेमेंट करें। तो दोस्तों बस यही है, लास्ट पेज है कंफर्मेशन पेज। ये ज़्यादा इधर कुछ इंफॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको एक रिव्यू पेज जैसा होगा। बस ये फाइनल पेज है, इस पे आपको कोई इंफॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस अपने पास रखने के लिए एक कंफर्मेशन पेज है जिसकी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो ट्यूटोरियल्स। सो थैंक यू।